वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड में मेल मर्ज। मेल मर्ज का काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज है वर्ड में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक लेटर है और ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग के मीट के लिए सपोज़ किसी कंपनी ने बनाया है। फॉर एग्जांपल एलजी कंपनी है और इनको क्या करना है कि एक सबमिट करना है जिसमें कि यूपी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बुलाना है ताज होटल में 10 जून 2017 को। तो अब उनके यूपी में टोटल 500, जस्ट इमेजिन कि 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको ये लेटर जो है ये लेटर यही कंटेंट 500 डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। बस यहाँ पे उनका नाम, शॉप का नाम या जो भी हो वो चेंज आपका होगा, ठीक है। तो इस काम को आप कैसे कर सकते हैं? कंडीशन ये है कि ये लेटर है, इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, उसके सिटी का नाम, ये दो चीज़ हमको ऐड करना है। तो अब 500 लोगों का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? या तो आप इसको 500 पेजेस पे कॉपी पेस्ट कर दें, फिर वहाँ पे मैन्युअली जाके एक एक लोगों का नाम टाइप कर दें, जो कि काफ़ी कंज्यूमिंग टास्क है और प्रैक्टिकल नहीं है। तो वर्ड में दिए गए मेल मर्ज की हेल्प से आप इस काम को बड़े ही इफ़िशियंट वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लेटर पहले से टाइप कर लिया है जो मुझे भेजना है आपको। मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए ये आपको मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में ये सारे मेल मर्ज से जुड़े हुए ऑप्शन हैं, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक। जब आप स्टार्ट मेल मर्ज पर आते हैं तो यहाँ पे मेल मर्ज के इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लेटर बना सकते हो, ईमेल मैसेज बना सकते हो, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। हमको शुरू करना है यहाँ से, ये है आपका स्टेप बाई स्टेप। आपको यहाँ क्लिक करना है, इसके बाद स्टेप बाई स्टेप। टोटल 6 स्टेप्स हैं, तो देखते हैं। मैंने शुरू किया यहाँ पे, स्टेप बाई स्टेप पे क्लिक किया, ये आपका ओपन होकर आ गया विंडो। मैंने जैसा कि कहा 6 स्टेप्स हैं। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप फर्स्ट स्टेप पे हैं आउट ऑफ 6। तो फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, ये नाम है फर्स्ट स्टेप का। तो यहाँ पे तरह तरह के डॉक्यूमेंट है, लेटर, ईमेल, इनवेलप, लेबल। अभी हम इस ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे लेटर, कैसे आप एक लेटर को मोर देन वन पर्सन को भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। तो ये रेडियो बटन में लेटर पहले से सेलेक्ट ही है, तो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरे स्टेप में, और जो हमारा दूसरा स्टेप है उस स्टेप का नाम क्या है? सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है, फर्स्ट है यूज करेंट डॉक्यूमेंट। क्या करेंट में हमको ये जो फाइल दिख रहा है इसी को भेजना है? अगर यही भेजना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यूज करेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी टेम्पलेट से लेना है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे टेम्पलेट। अगर आपको पहले से कोई फॉर्मेट लेटर वगैरह सेव है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एग्जिस्टिंग को। तो फिलहाल हमको इसी लेटर को भेजना है, तो ये जैसे सेलेक्ट है उसको रहने देते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप भी कम्प्लीट हुआ, आते हैं थर्ड पे, क्लिक किया। थर्ड स्टेप का नाम है सेलेक्ट रिसिपिएंट। ये स्टेप में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इस स्टेप में हम वर्ड को बताते हैं, एक्चुअल में हमको जिन लोगों को भेजना है लेटर उनका लिस्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पे लिखा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इट मीन्स कि ये लिस्ट पहले से बनी हुई है, अगर आपके पास है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आउटलुक के कॉन्टैक्ट में भेज देगा। टाइप अ न्यू लिस्ट, अगर कुछ नहीं बना है तो आप अभी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको करना है टाइप अ न्यू लिस्ट, और आपको बता दें कि यहाँ पे आप लिस्ट को प्रिपेयर करने के कई तरीके के फॉर्मेट्स हैं। आप चाहो तो एक्सेल में रख सकते हो, आप चाहो तो एमएस एक्सेस, जो कि एक डेटाबेस पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो मैं जो है एक्सेस पे बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, टाइप अ न्यू लिस्ट, और जब देखिए टाइप अ न्यू लिस्ट किया तो यहाँ पे क्रिएट आ गया। अब आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो ये विंडो आया एंट्री करने के लिए कि आपको जिन लोगों को भेजना है
उनके बारे में क्या क्या डिटेल आपको ऐड करना है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, फिलहाल मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे जो लेटर भेजना है उसमें मुझे बस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और सिटी का नाम और बस दो ही चीज़ रखने हैं, फिलहाल मैं दो ही चीज़ें रखना हूँ। तो ये जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। कहाँ पे जाना है, कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम पे हम जब क्लिक किए तो ये हमको इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि वर्ड का बाय डिफॉल्ट बना हुआ फॉर्मेट है, तो हमको इतनी चीज़ें चाहिए। तो फिलहाल मैं इसमें से कुछ भी लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सब डिलीट करके अपना नया लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऐड करना है तो यहाँ क्लिक करना है, डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करना है, रीनेम करना है तो यहाँ क्लिक करना है। मुझे फिलहाल डिलीट करना है तो मैंने डिलीट पर क्लिक किया और मैं हॉट की का यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि डी के नीचे अंडरलाइन है, तो मैंने डी प्रेस किया और वाई डी 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 वाई लिस्ट हो गई एम्प्टी। और मैंने ऐड किया, मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और फिर ऐड किया, फिर रखना है उसका सिटी, मात्र दो चीज़ हमको रखना है। ठीक, ऊपर नीचे करना है, ये मूव अप मूव डाउन, तो फिलहाल मुझे यही दो चीज़ रखने हैं। ओके कर दिया तो ये आपका विंडो आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ है। तो फिलहाल मैं एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ, अमित सिंह सिटी VNS शॉर्ट में लिख रहा हूँ। न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करना है, सुमित गुप्ता सिटी ALLD न्यू एंट्री, राजेश सिंह सिटी मान लीजिए लक्सा, विनोद कुमार सिटी अगेन VNS मान लीजिए रजनी देवी सिटी अगेन DLH समथिंग। तो ये मैंने कुछ एंट्रीज कर दी। जब आपका एंट्रीज कंप्लीट हो जाए तो आपको कहाँ क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये जो डायलॉग बॉक्स है, सेव एज डायलॉग बॉक्स है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जो लिस्ट बनाया इसको कहाँ पे सेव करना है ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकें। और यहाँ पे ये जो टाइप एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो उस समय यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ब्राउज कर लेंगे। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहे हैं और नाम मान लीजिए हमने दे दिया डेमो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेव किया। तो ये आपके सामने जो भी आपने एंट्रीज की हैं वो दिखा रहा है, और ये जो रेस्पेक्टिवली जो चेक बॉक्सेस हैं ये शो कर रहे हैं कि आपको कौन से रिकॉर्ड रखने हैं कौन से नहीं रखने। तो फिलहाल मुझे सारे रखने, तो ऐसे ही रहने देते हैं। दिखा देते हैं डेस्कटॉप पे जाके कि कौन सी फाइल बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये एक डेमो नाम की फाइल बनी हुई है। अगर आप एम एस एक्सेस जानते हैं तो यहाँ पे इसके आइकन से भी पहचान सकते हैं और वो टूल टिप में भी दिख रहा है। तो हमारा लिस्ट बन के प्रिपेयर है, ओके। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ जिसमें कि हमने नया लिस्ट बनाया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप का नाम है राइट योर लेटर, मतलब लेटर जो है लिखा तो हुआ ही है और उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो फिलहाल हमको ये डिसाइड करना है कि हमको जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और सिटी है उसको इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे रखें। आप चाहो तो टॉप पे रख सकते हो, आप चाहो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ। तो मुझे क्या लिखना है, नाम, तो मैंने यहाँ पे नाम का स्टैटिक लिख दिया। और यहाँ पे ये जो एड्रेस बुक है, ग्रीटिंग्स लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज हैं, ये क्या है, ये तीन जो है आपके एक तरीके से टेम्पलेट टाइप के हैं। जैसे देख सकते हैं ग्रीटिंग लाइन, डियर सर, डियर मैडम, कई सारी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टू हुम इट मे कंसर्न समथिंग इस टाइप का। तो ये तीनों जो हैं टेम्पलेट के ऑप्शन हैं। फिलहाल मैंने जो एंट्री किया है मैं उसी को लगाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप और कुछ लगाना चाहते हैं तो एड्रेस बुक में जो ये चीज़ें बनी हुई हैं देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं, वो फीचर अभी इंस्टॉल नहीं है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ फिलहाल जो मैंने प्योरली एंट्री की है उसी को लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया, मोर आइटम पे। जब हमने मोर आइटम पे क्लिक किया, उसके पहले कहाँ पे वो डेटाबेस एक्चुअल में आएगा, कर्सर को आप प्लेस कर ले। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर्सर को यहाँ पे प्लेस किया है। खैर, इसके बाद मोर
आइटम्स पे वही दो फील्ड के नाम आ रहे हैं, नेम पे नेम सेलेक्ट किए, इंसर्ट किया, क्लोज किया। दूसरा हमको यहाँ पे चाहिए सिटी, तो सिटी मैंने लिख दिया लेबल, और मोर आइटम पे सिटी को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लोज। अभी मैंने क्या कर दिया, नेम और सिटी को बोल्ड कर दिया। ये जो डॉट्स, ये जो नेम और सिटी आप देख रहे हैं, ये क्या होगा जब आप मेल मर्ज को कंप्लीट करेंगे, ये डेटाबेस से वैल्यू को ला कर यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हुआ, जिसमें क्या था, राइट योर लेटर, लेटर मैंने राइट कर दिया, कंप्लीट हो गया। आते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप कह रहा है प्रीव्यू योर लेटर, आपका लेटर कैसा होगा उसको आप देख लें। और यहाँ आप देखिए रिसिपियंट 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली मैंने जो भी 4, 5 किए हैं एंट्री, वो देखिए सारे आपको यहाँ पे जैसे 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 मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुमित गुप्ता, राजेश सिंह, विनोद कुमार एंड सो ऑन। तो प्रीव्यू हमने कर लिया। अब आते हैं हम सिक्स स्टेप पे। एक चीज़ आपको ध्यान दिला दूँ मैं, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में अभी फ़िलहाल एक ही पेज है, और इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव नहीं किया है, इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक, क्यों ये बता रहा हूँ अभी देखते हैं। आते हैं सिक्स स्टेप पे, जो कि फाइनल है, कंप्लीट द मर्ज। सिक्स स्टेप में क्या है, आपका जो मेल मर्ज है उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये एक आपका प्रिंट है, दूसरा है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। अगर आप प्रिंट करते हैं तो ये सीधे प्रिंटर से जाके प्रिंट कर देगा, जो भी हमने फॉर्मेट सेट किया है वहाँ पे डेटाबेस से नाम और सिटी लगा के। अगर आप एडिट इंडिविजुअल करते हैं तो ये जितने भी एंट्रीज हैं उतने पेज का सेपरेट ईच पर्सन के लिए लेटर बना देगा। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, प्रिंट नहीं करना है, एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। क्लिक किया हमने, यहाँ पे देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट बनाएगा। और ये जो रेडियो बटन्स हैं ये हमको ये बता रहे हैं कि जितने भी रिकॉर्ड हैं क्या आपको सारे चाहिए, या करंट में रिकॉर्ड पॉइंटर जहाँ पर है वहाँ पे चाहिए। फ्रॉम टू मीन्स कि रिकॉर्ड नंबर 5 to 10, 10 to 15, समथिंग कुछ इस टाइप का। तो फिलहाल मैंने क्या सेलेक्ट किया है, ऑल। तो इसका मतलब क्या, जितने भी रिकॉर्ड है जो हमने अभी जस्ट एंट्री किए 4-5, वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। हमने क्लिक किया ओके, आप ध्यान देना डॉक्यूमेंट 1 है, पेज टोटल 1 है। ओके पे क्लिक किया, देखिए क्या हुआ, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। क्या नाम हुआ, लेटर S1। और यहाँ पे कितने पेज हैं, टोटल पेज हैं 5, क्योंकि मैंने 5 एंट्री की थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूमिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, अमित सिंह, VNS, और जब हमने पेज चेंज किया तो सुमित गुप्ता, जैसे जिस रेस्पेक्ट में हमने एंट्री की थी उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे आ गया। देखिए कितनी आसानी से काम हो गया। अगर उसमें 1000 एंट्रीज भी होती तो 1000 पेज जस्ट एक क्लिक पे आपका बन जाता। तो ये पावर है मेल मर्ज का। कभी भी आपको लेटर भेजना हो तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय सेव करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।